नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 के 32वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर को 8 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में मुंबई की ये लगातार 5वीं जीत है। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने विजयी अभियान को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ भी जारी रखा। आईपीएल 2020 के 32वें मैच में रोहित एंड कंपनी ने केकेआर की टीम को करारी शिकस्त दी। बता दें, इस सीजन दूसरी बार टीम ने केकेआर की टीम को धूल चटाई है। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन, क्विंटन डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी के चलते मुंबई ने इस मुकाबले में आसान जीत को अपने नाम किया। वहीं केकेआर के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इस मैच में बुरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिए। केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस और नए कप्तान इयान मॉर्गन की पारियों के बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने इस लक्ष्य को महज 16 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से क्विंटन डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली। मुंबई के हाथों मिली हार के बाद कप्तान इयान मॉर्गन ने इशारों में अपने अनुभवी बल्लेबाजों पर निशाना साधा और टीम की बल्लेबाजी को हार का जिम्मेदार बताया है। मैच के बाद इयान मॉर्गन ने कहा, 4-5 विकेट गिर जाने के बाद हम इस मैच में शुरुआत से ही नहीं थे। हमने किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा किया, लेकिन जब मुंबई की टीम इस तरह से खेलती है तो उनको रोक पाना काफी मुश्किल होता है। टीम ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन स्कोर बोर्ड पर रन काफी नहीं थे। नंबर 4, 5 और 6 पोजीशन के बल्लेबाज काफी अनुभवी हैं और वो प्रदर्शन नहीं कर सके। हम कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में इससे कोई भी अंतर आया है। बता दें, कोलकाता नाइट राइडर की टीम इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें टीम को 4 में जीत तो 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के शुरुआत से पहले टीम को लीड करने वाले दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी थी और उनके स्थान पर इंग्लैंड के इयान मॉर्गन को टीम की कमान सौंपी गई थी। केकेआर की टीम को आईपीएल 2020 में लगातार दूसरी बार मुंबई के हाथों हार झेलनी पड़ी है। इससे पहले टूर्नामेंट के 5वें मैच में मुंबई ने केकेआर को 49 रनों से हराया था। बता दें, कोलकाता नाइट राइडर की टीम का अगला मुकाबला रविवार 18 अक्टूबर को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ होगा। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम का प्रदर्शन इस साल काफी शानदार रहा है और टीम को आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब महज 2 जीत की दरकार है। टीम का अगला मुकाबला रविवार 18 अक्टूबर को दुबई में किंग्स इलेवन पंजाब के बीच है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।